और मैं यहाँ के जिले के अधिकारियों को आश्वस्त तौर से कह के जाना चाहता हूँ, ऐसे मामलों की जांच करके पूरी रिपोर्ट जितनी गलती हो सके शासन को भेजने का भी काम करिए, क्योंकि हम इस प्रकार की चीजें हमारा काम है। कोई भी अच्छा काम करे हम विरोध नहीं करते, हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं तो हम कोई किसी का विरोध नहीं करते, लेकिन अगर कोई गलत करेगा और वो बच जाएगा ये संभव नहीं है। गलत करने वाले चाहे दिल्ली में बैठे हो, चाहे लखनऊ में बैठे हो, चाहे सैफई में बैठे हो, चाहे रामपुर में बैठे हो, कार्रवाई जरूर होगी, या मैं आप सब लोगों के सामने कह करके जाना चाहता हूँ। आज गाँव में अगर गरीब आदमी कोई आवाज चाहता हो, पहले आवाज लेने में आपको रिश्वत देनी पड़ती थी, आज आवाज के नाम पर किसी गरीब से कोई रिश्वत लेगा तो चाहे वो सेक्रेटरी हो, चाहे वो प्रधान हो, चाहे वो वीडियो हो, चाहे सीडीओ हो, उसके खिलाफ कार्रवाई करने का दम अगर किसी में है तो योगी जी के नेतृत्व वाली हमारी सरकार भी नंबर एक नहीं होगा तब तक दुनिया में हमारा देश नंबर एक नहीं होगा। इसलिए हमें उत्तर प्रदेश को भी नंबर एक बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है और देश को नंबर एक बनाने की दिशा में आगे बढ़ना है। पूरा भारत भाजपा में हो गया है, कमल में हो गया है, मोदी में हो गया है, सारा विपक्ष इससे बौखलाया हुआ है और उत्तर प्रदेश की जनता का मूड जैसे जैसे उनको पता चल रहा है कि उत्तर प्रदेश तो देश का सबसे बड़ा राज्य है, सबसे अधिक सांसद यहाँ से जीत करके जाते हैं और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अमित शाह जी, इन्हें राजनीति का वर्तमान में चाणक्य कहा जाता है। जब हम 73 सांसद जीते थे तब यहाँ के प्रभारी थे, जब हम 325 विधायक जिता करके ले गए थे तब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, और जब हम 73+ सांसद जिता करके मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने के लिए यहाँ से भेजेंगे तब भी वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इससे मैं आप सबको यही निवेदन करके